नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। भारत में हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन से ग्रसित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 40% शहरी आबादी हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। ब्लड प्रेशर की समस्या आम है, लेकिन कभी कभी इसे नजरअंदाज करना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को लंबे समय तक अनदेखा नहीं करना चाहिए, वरना यह घातक हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस तरह की समस्या को गंभीरता से लिया जाए। बता दें कि सामान्य व्यक्ति की तुलना में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में दिल का दौरा पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में उच्च रक्तचाप की समस्या को हल्के में ना लें। वर्तमान के दिनों में यह पाया गया है कि खराब जीवन शैली, तनाव और खराब खान पान के कारण लोगों का रक्तचाप का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए लोगों को अपने खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए। घर पर बने कुछ खास तरह के जूस इस परेशानी को कम करने में सहायक माने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही जूस के बारे में जो हमारे उच्च रक्तचाप को कम करने में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाजर के जूस के बारे में। गाजर हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी फूड आइटम है। गाजर में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। ये तत्व शरीर को हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। ये शरीर के फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करते हैं। टमाटर का सूप, हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए टमाटर का सूप बहुत ही फायदेमंद माना गया है। एक ताजा अध्ययन के मुताबिक अगर आप उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति हैं और टमाटर का सूप पीते हैं तो इससे आपका बीपी कम होता है। इसलिए हाई बीपी के मरीजों को टमाटर के सूप का सेवन अवश्य करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि चुकंदर का जूस कैसे हाई बीपी को कम करने में हमारी सहायता करता है। चुकंदर में मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर का स्तर ठीक बना रहता है। चुकंदर को आयरन का भी बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यह हमारे रक्त संचार को भी बेहतर करता है, जिससे बीपी के मरीजों को फायदा होता है। अब बात करते हैं गुड़हल की चाय के बारे में। दोस्तों, आज के समय में हर्बल टी का डिमांड काफी बढ़ गया है। गुड़हल की पत्तियों से बनी चाय हाई बीपी को नियंत्रित करने में असरदार माना गया है। इस चाय के सेवन से शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इस चाय में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बीपी की मरीजों के लिए लाभदायक होता है। साथ ही यह मोटापा कम करने में भी सहायक सिद्ध होता है। तो ये कुछ ऐसे जूस हैं जो हमारे शरीर में बीपी को नियंत्रित रखने में हमारी मदद करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके काम आएगी। हालांकि यह जूस हाई बीपी को नियंत्रित करने में कितना कारगर है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही अपना डाइट तय करें। हाई बीपी के मरीजों को अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। ज्यादा तला हुआ और तेल मसालों से युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। प्राणायाम और योग करने से भी बीपी नियंत्रित रहता है। अगर इस संबंध में आपके मन में भी कोई सलाह है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।